इसका रिव्यू है एक स्किन ऑयल पे जो है ऑरोवेदिक कुमकुम आदि स्किन ऑयल। एंड ऑरोवेदिक के रिव्यूज मैं पहले भी बहुत बार कर चुकी हूँ, मैंने इसका स्किन लाइटनिंग ऑयल का रिव्यू किया था जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं फेयरनेस को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही कहा था, फेयरनेस जैसी कोई चीज नहीं होती है किसी भी प्रोडक्ट से, किसी भी क्रीम से। हाँ, ये जरूर है कि आप अपने स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने स्किन को ब्राइटन अप कर सकते हैं, टैनिंग वगैरह जो स्किन पे हो जाती है ये रिमूव हो सकती है, बट फेयरनेस नाम की कोई चीज नहीं होती है, किसी भी प्रोडक्ट से नहीं होती है, तो फेयरनेस को मैं यहाँ बिल्कुल प्रमोट नहीं कर। सो बात करें अगर कुमकुम आदि की, तो कुमकुम आदि और कुछ नहीं बल्कि सैफ्रन है। सैफ्रन का ही आयुर्वेदिक टर्म है कुमकुम आदि। एंड कुमकुम आदि तैलम का यूज बहुत ही एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, आप देखते होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये हमारे स्किन के टेक्सचर, हमारे स्किन के स्पॉट्स रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सो दिस ऑयल क्लेम्स एट गिविंग अ रेडिएंट स्पॉटलेस एंड ब्राइटर स्किन, बट कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करें तो कम से कम इसे 1 month के लिए यूज करें उसके रिजल्ट्स एंड बेनिफिट्स देखने के लिए। इंस्टेंटली आपको कोई भी रिजल्ट नहीं दिखेगा किसी भी प्रोडक्ट से, तो डेली इसको आप यूज करें एंड बिल्कुल आप इसका रिजल्ट। सो बात करें अगर इसके यूसेज की, तो ये स्किन ऑयल है आफ्टर ऑल, बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में आपको इसको नहीं अप्लाई करना है। आपको बस रात को सोने से पहले 2 या 3 drops लेना है एंड अच्छे से मिक्स कर लेना है अपनी स्किन पे, एंड आप रात भर इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं। जिनकी ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन है या जिनको प्रॉब्लम है समर्स में ऑयल से, क्योंकि जैसे समर्स आ रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि शावर लेने के आधे घंटे पहले, 20-25 minutes पहले आप इसको अप्लाई करके एंड फिर शावर ले सकते हैं, तो ये वॉश ऑफ हो जाएगा। इसे सिर्फ आप अपने एक्ने स्कार्स एंड पिंपल मार्क्स पे भी लगा सकते हैं, ग्रेजुअली वो फेड आउट हो जाएंगे। सो किसी भी प्रोडक्ट का पैच टेस्ट जरूर करिएगा अगर आप इसको पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो, भले ही वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है बट यू नेवर नो, यू माइट बी एलर्जिक टू समथिंग और दी अदर। जरूरी नहीं है कि हर किसी इंसान को हर चीज सूट करे, तो पैच टेस्ट तो मैंडेटरी है विदाउट सेइंग। सो अब बात करते हैं व्हाई ओनली ऑरोवेदिक कुमकुम आदि ऑयल, क्योंकि कुमकुम आदि ऑयल तो बहुत सारे लीडिंग ब्रांड्स ने भी लॉन्च किया हुआ है, बट मुझे जो खास बात लगी ऑरोवेदिक में, सबसे पहली बात तो ये काफी इफेक्टिव है एंड ग्रेजुअली आपको रिजल्ट देगा, इंस्टेंटली तो कोई भी प्रोडक्ट आपको रिजल्ट नहीं देता है। एंड दूसरी सबसे अच्छी बात है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, सिर्फ 300 rupees का ये 100 ml का बॉटल है, एंड दूसरे ब्रांड्स में आपको काफी कॉस्टली मिलेगा, एंड इफेक्टिव है कि नहीं ये भी आपको पता नहीं है। तो ये इफेक्टिव तो है ही, साथ ही साथ बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, प्लास्टिक की बॉटल में आता है तो इजी टू कैरी है एंड एंटी ड्रिपिंग है क्योंकि डबल लेयर पैकेजिंग है, मैं भी इसको ले जाती हूँ कहीं भी ट्रैवल करने जाती हूँ तो। एंड सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत कम क्वांटिटी में यूज होता है, सिर्फ 2 या 3 drops यूज होता है, एंड मैं इसको 1 month से यूज कर रही हूँ, सिर्फ इतना ही खाली हुआ है ये, तो आराम से 8 to 10 months आपका ये चल जाएगा। सो परचेज लिंक मैं एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में दे दूंगी। अमेजोन से मैंने इसे परचेज किया था तो अमेजोन का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसे ले सकते हैं एंड इसे ट्राई जरूर करिएगा। एंड ऑयली स्किन वालों के लिए मैंने जो प्रिकॉशंस बताए थे या जो मेथड बताया था यूज करने का, आप उस तरीके से कीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।